नमस्कार। आज मैं भरमा बैंगन की सब्जी बनाने जा रही हूँ, तो ये रेसिपी क्यों ना मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। इसके लिए मैंने आजकल बैंगन खूब अच्छा आ रहा है, इस टाइप के छोटे छोटे बैंगन ले लिए हैं और इनको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। धोने के बाद में इसको मैंने कपड़े से पोंछ के और इसका जो है इस तरीके से, चूंकि मैंने एक पहले करके रख लिए हैं, वीडियो में बाद में बना रही हूँ इसलिए दिखा रही हूँ आपको। ये मैंने इस तरीके से इसके चार पीस यहाँ से कर लिए हैं और ये पीछे की तरफ से मैंने इसको जुड़ा रहने दिया है। और इसके अंदर जो मुझे मसाला चाहिए वो जो हमारी किचन में मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्च और सौंफ और थोड़ी सी पिसी हुई खटाई। इसमें प्याज लहसुन अभी नहीं पड़ा है बिल्कुल भी, उसको सबको मैंने ऐसे सूखा ही ले लिया है और अच्छे तरीके से उसको मिला के, ये जो बैंगन मैंने चार चार पीस किए हैं इसके अंदर मैंने सूखा मसाला ऐसे ही भर दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब बैंगन बनते हैं ये और बहुत आसानी से बन जाते हैं। ये फ्रेंड मैंने तैयार करके रख लिया है, अब मैं इसको जो है मुझे भरमा सब्जियाँ बहुत पसंद है। और इसके अंदर जो आलू मैंने घिस के रखे हैं ये भी मैं डाल दूंगी। हम इस तरीके से सब्जी को चलाते हुए और धीमी आंच में इसको भून लेंगे। करीब करीब सब्जी हमारी थोड़ी सी भुनेगी, तैयार हो जाएगी बिल्कुल। सब्जी बन के तैयार हो गई है, भरमा बैंगन, यम्मी लजीज सब्जी।